इंदौर में शराब कारोबारियों की गैंगवार के खिलाफ अब पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के चलते गांधीनगर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट की घटना में पुलिस ने अर्जुन ठाकुर सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांधीनगर अहाते को लेकर चिंटू ठाकुर और अर्जुन ठाकुर के बीच विवाद की बात किसी से छुपी नहीं। इसी को लेकर सिंडिकेट कार्यालय पर अर्जुन ठाकुर को गोली मार दी गई थी। बताया जा रहा है कि गोली कांड से पूर्व गांधीनगर में अर्जुन ठाकुर और सतीश भाऊ के लोगों में विवाद और मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। CSP जयंत राठौर के अनुसार विवाद का वीडियो सामने आने के बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने फरियादी गौरव की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की थी। हमले में घायल रवि जाधव नामक व्यक्ति के पुलिस ने बयान लिए, जिसमें रवि ने अर्जुन ठाकुर, मोहन ठाकुर और मोहित अरोरा के नाम बताए, जिसके आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांधीनगर थाने में एक मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें आपस में लड़ाई पेट्रोल पंप पे हुई थी। उसमें फरियादी गौरव के रिपोर्ट पे अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया था। उसी में एक घायल रवि यादव है, उसके TI द्वारा बयान लिए गए। उसमें उनने कुछ लोगों के नाम बताए हैं, जिसमें अर्जुन ठाकुर, मोहन ठाकुर और मोहित अरोरा हैं, उनके नाम बताए हैं। तो जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, उसी में उस साक्षी के तौर पे उसके द्वारा बयान दिया गया है। तो प्रकरण की विवेचना जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाँ, उनके चूंकि साक्षी ने नाम बताए हैं, तो अभी विवेचना में उनके नाम शामिल किए गए हैं और जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन होगा वैसी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, फरियादी चीज़ को लेकर विवाद, फरियादी को पूछताछ में आपस में विवाद हुआ था, चिल्ला चोट हुई थी, वो भगे थे, तो भगने के दौरान उनको मारपीट की गई थी, ये बताया है। और बाकी TI गांधीनगर उसकी विवेचना कर रहे हैं, जैसी भी कार्रवाई होगी सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सिंडिकेट ऑफिस में विवाद के दौरान शराब कारोबारी अर्जुन ठाकुर को गोली मार दी, जिसके बाद अर्जुन ठाकुर के समर्थकों द्वारा ऑफिस पर जमकर पथराव किया गया। हालांकि पुलिस ने गैंगस्टर सतीश भाऊ, चिंटू ठाकुर सहित अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।